वेलकम टू रसोई कंपनी। दोस्तों, हर त्योहार का स्वाद काजू कतली के स्वाद के बिना अधूरा होता है, लेकिन मिठाई की दुकान पे अगर आप इसे लेने जाएं, तो आपके सिर पर पसीना तो छूट ही जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको इसी रेसिपी को बनाने का तरीका सिखा दे। तो क्या तैयार है आप घर में बनाने के लिए काजू कतली? तो देखिए हमारी ये रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाशनी। इसके लिए एक पैन में लेंगे एक कप शक्कर और आधा कप पानी। चीनी घुलने तक इसे मीडियम आंच पर पका लेंगे। शक्कर के पिघलने पर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें 3 कप पिसा हुआ काजू डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, इस तरह से। देखिए ये तैयार हो गया। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे ठीक से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये पूरी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। दिखने में ये मले हुए आटे की तरह दिख रहा है, ठीक ऐसे ही इसे पकाना है। अब एक बटर पेपर लेकर उस पर चारों तरफ ब्रश से घी को फैला ले। इस तरह काजू के मिक्सचर को इस पर डालकर अच्छे से गूंद ले। इसे मुलायम होने तक गूंदना है। तैयार काजू के मिक्सचर के ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे और इसे इस तरह से बेल लेंगे। ध्यान रहे, इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। अब ऊपर से बटर पेपर को निकाल ले और इसके ऊपर चांदी का वर्क इस तरह से लगा ले। बेले हुए काजू के सारे मिक्सचर के ऊपर हमें इसी तरह से इसे लगाना है। इसे थोड़ा ठंडा होने दे और फिर इसे काजू कतली के शेप में इस तरह से काट ले। ध्यान रहे, इसे धीरे धीरे काटना है, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से। लीजिए, त्योहारों के सेलिब्रेशन के लिए आपकी काजू कतली हो गई है रेडी। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? तो अगली बार त्योहार के मौके पर अगर आपके घर पे मेहमान आ जाए, तो उनका मुंह मीठा आप काजू कतली से ही करिएगा, वो भी घर की बनी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।